से ना पूरा व्यू दिखता है अपने गांव का, ये किधर है, निकला है मतलब बनाया कुछ? नहीं नहीं निकला है। तो यार मैं अभी जा रहा हूँ बाहर अपने काका के साथ है, तो यहाँ पर रोड बनी है देखो, पहले यहाँ पर रोड थी नहीं, बस ऐसी था जहाँ पर ये रास्ते। 4 साल हुए हैं इसे? 3-4 साल हुए हैं, पर मेरी बात सुनो, 2017 या 2016 में जब मैं आया था तो कच्ची सड़क थी, जैसे ये दिख रहा है कच्ची सड़क थी उस टाइम, और अभी कह रहा है क्या बोलते हैं नीरज कह रहा है क्या मतलब कब से हुआ है फिर ये डैम, कब से बनाए? डामर अभी 1 महीना और का है बस इसे। 1 महीना तब से कच्ची सड़क थी, बताओ। तो ये जो दिख रही है रोड बस थोड़े से आगे तक है बस ये, फिर मैंने वहां पर देखा ये क्या बोलते हैं अजूली से थोड़ा सा और आगे आगे भैम नहीं आ रहा अपना, वहां पर देख रहे वहां से फिर कच्ची सड़क, आधा आधा बट रखा है ना फिर ये, फिर पूरा आधा था, आधे दो ठेकेदारों में बताया इसका काम। अरे पर यार 4 साल मजाक है यार, 4th साल चल रहा है, मैं अब देख रहा हूँ, मेरे को लगा बन गया होगा। मैं उस दिन ना इसी रोड जो ये रोड दिख रही है इसी रोड से बस सीधा 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 जहाँ जा रहा हूँ, बीच में पीनाकोट भी आता शायद, पीनाकोट और नैल भी आता है, नैल भी आया तो वहां से और सीधे सीधे नीचे 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 गए, भाई के साथ गया था मैं, अपने दो भाई थे उनके साथ गया था, बिल्कुल नीचे नीचे फिर नीचे आ जाती है नदी, गदेरा आ जाता है पूरा नदी का, तो इसी रोड से ही मैं गया था उस टाइम, मेरे को ध्यान है यही थी कच्ची सड़क ये, और तब से यही हो रखा है अभी, कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं, कुछ भी नहीं, PDD का काम है ये वाला, और तब भी अटका पड़ा इतने में, फिर भी अटका पड़ा हुआ। डामर देखो ऐसा बस अभी आधा महीना और का ऐसे, आधे महीने में बस इतना सही। यार इसके नीचे जाने का फिर रास्ता कहाँ है यहाँ से, ये यहाँ पर हम जाते हैं पहले जाने, पहले इधर की साइड आते थे हम, बकरी वकरी चलाने बकरी के लिए भी आते थे ना, यहाँ का रास्ता कहाँ है फिर नीचे जाने का? यहाँ से, अच्छा नीचे की साइड है इधर से रास्ता, अच्छा यहाँ पर पुल वुल सब बन गया ना, यार सच्ची में क्या था यार, कुछ भी नहीं था यहाँ पर है पहले यार, कुछ भी नहीं, सब हल्का फुल्का था, और गाड़ी वाड़ी भी नहीं आती थी उस टाइम, मैं तो ऊपर जाना पड़ता था जीबोला में, दिखेंगे नहीं दिखेंगे यहाँ पर बकरी चलाते हुए, हाँ ये जो पीछे पुल दिख रहा है इधर ही आते थे ना, ये पुल ही है ना पीछे, हाँ यहाँ इधर ही तो आते थे यार, उसके आगे इधर की साइड बन रखा है, अभी मैं तो वीडियो डाल सकता हूँ इसमें पर कहाँ से डालूँ, वो सब कंप्यूटर में पड़ा हुआ है मेरा, पुरानी फोटो है, तेरी फोटो है मेरे पास, मजाक नहीं कर रहा, बहुत पुरानी फोटो है, यहाँ नेपालियों ने 3 महीने काटे यहाँ और यहाँ यहाँ पर, ये बनाने बनाने में, हाँ बनाने में 3 महीने, वो भी ऐसी जगह है, सोचे कैसा जीवन यापन होगा उनका 3 महीने में, और तब से फिर ऐसी है, अरे राम का पेड़ है, पहले इधर ही आते थे गधेरे में, अरे तेरे साथ नहीं साथ उसके साथ आया था मैं, भूरी भाई भूरी के साथ आया था, भूरी और राजू भाई राजू चाचा के साथ, उनके साथ केकड़े वेकड़े मारने के लाते थे यहाँ पर, केकड़े और मच्छी नीचे की साइड, वो डंडी रखते थे ना क्या बोलते हैं गीले रख करने के लिए, हाँ अभी भी रखते हैं, हाँ रखते हैं, उनका सीजन चले गया, चला गया सीजन, नहीं तो पहले कैसे रखते थे मतलब कौन सी डंडियाँ होती थी ऐसी की, ऐसी नहीं ऐसा कुछ अजीब सा पेड़ होता है से बनती है, पानी में डाल दो उसका बाहर का छिलका निकाल दो, फिर वो अंदर वो क्या मतलब जलाने के लिए होता है, हाँ जलाने के लिए, उसकी बाहर की लेयर एकदम से निकल जाती है, हाँ। काफी कितने दिनों तक रखते हैं उसको पानी में यार? 1-1.5 महीना, 1-1.5 महीना, मेरे को लगा हफ्ते 10 दिन रखते होंगे, 1-1.5 महीना यार। चल अभी पहुंचने वाले डॉठे जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, नीरज जी बता रहे हैं हमें रास्ता, नए नए रास्ते बनते जा रहे हैं, डुंगल ढाबे इसी इधर से जाते हैं ना, ऊपर से ना, हाँ मैं वही कह रहा हूँ रास्ता ये वाला नहीं है, डुंगल डार के लिए डुंगल ढार भी जाएंगे कभी, वहाँ के भी बनाऊंगा, पीने का पानी है ना, तो भाई ये ताज़ा पानी कहाँ से आता है, हिमालय चिल्ड एकदम, 2400 घंटे आता है पानी, 2400 घंटे, ये नहीं कि कम हो जाएगा लेवल, बिल्कुल भी नहीं, सच्ची में। और शिवलिंग मतलब क्या कर रहा था यहाँ से? बस एक नेचुरल निकला है, निकला है मतलब बनाया खुद? नहीं नहीं निकला है, निकला मतलब कहाँ से? इधर ही पत्थर निकालते समय, अच्छा पत्थर निकालते समय, हाँ दिखाने का, दो सवारी भैया नेचुरल से, साइड से भी पानी निकल रहा है इसके तो, हैं? यहाँ भी ऊपर गधेरा है शायद,
लग रहा है पता खुद नहीं कहाँ से आ रहा होगा पानी और आ कहाँ से रहा है पहाड़ों से और ये नीचे की साइड जा रहा है गधेरा जो है नीचे तो जुखाम लगेगा। अब एक चीज बताओ, कोई बंदा शॉर्ट्स में घूम रहा है मतलब रनिंग करने जा रहा है सुबह 5:30 बजे के टाइम, तो उसको जुखाम लगेगा नहीं लगेगा फिर? क्या करे भैया, मजबूरी है। अरे मजबूरी पर वैसे कह रहा हूँ कि लोअर पहन के जाए आराम से, क्या दिक्कत है? इसमें कुछ दौड़ने का अलग ही फायदा है। क्यों? मतलब स्ट्रेंथ के लिए? हाँ स्ट्रेंथ बनती है। हाँ ये होता है जुनून, हम वहाँ 400 मीटर नहीं भाग पाते, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है नॉर्मल है। पहाड़ी बंदे हैं भैया, वही तो कह रहा हूँ, ये होते हैं असली पहाड़ी। हम तो क्या बोलते हैं, दिल्ली के पहाड़ी हैं, हम क्या बोले, नाम के पहाड़ी नहीं यार, ये गलत बात है यार, नाम के पहाड़ी नहीं भाई, नहीं तो यहाँ आते, जो नहीं आते उनसे बात कर रहा हूँ मैं, आया करो, दिखा करो, आया करो। कहाँ तक रनिंग करता है? यहाँ से वहाँ तक 1600 मीटर। सामने जो उधर स्कूल है जो इधर 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 वाला? अच्छा इधर की साइड है जो? इधर की साइड, अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है पर वहाँ पर। और वो भी कहाँ से? यहाँ से ये टर्न डन, फिर आगे आगे और ऐसे टर्न। नहीं मजाक नहीं है भाई, मजाक में मत लेना। ये रतवाड़ है क्या? वो भूम किया तल्ला बोर्ड के नीचे तो रतवाड़ था ना शायद, वो उधर साइड है, चौधर की साइड। ये तो एक ही घर लग रहा है। हाँ एक ही है, एक इधर है अभी दिख नहीं रहा। वाह सिर्फ एक घर वैसे दिखने में, सिर्फ एक ही लग रहा है। क्या नाम है? भूम किया। और कितने नीचे है रे? दिख रहे हैं दो, एक ही दो एक साथ लग रहे हैं। कब आएगा डोंटिया? आगे है, बहुत आगे है। तो क्या टूटे फूटे से बिल्कुल काटा है नहीं? हाँ तभी पूरा क्रीम जैसा। अरे कौन फेंक रहा? यहाँ से कैसा लग रहा होगा? बिल्कुल सपाट है पर भैया आप देख लो, मजाक है क्या? देख रहे बिल्कुल खाई जैसा नीचे। इधर की साइड घना लगता है मेरे को वहां। हाँ। मैं गया नहीं उधर की साइड। इधर की साइड तो मैं गया हूँ एक बार, यहाँ इधर, पर उधर की साइड मेरे को एक बार देखना है, पता नहीं क्या है उधर कुछ। तो गया कभी उधर की साइड? कितनी बार, अपने ही इलाका है वहाँ पे बकरी जा रहे हो। मेरे को दिखी नहीं रही है बकरी। हाँ वो देखो, वो दिख रहे। अरे हाँ वो रही, वो रही। और जूम करके देखता हूँ दिख जाए तो। दिख रही बकर? हाँ चार चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, अभी तो पहुँचे नहीं। अब यहाँ कैसा हो रहा है, और पीछे वहाँ धूप आ रही है। तो भाई डोंटिया से तो होके आ गए हम, अब यहाँ से ना पूरा व्यू दिखता है अपने गांव का कि किधर है। मेरे को वैसे पता तो नहीं चल रहा है, अगर बताइए नीरज। वो बोर्ड जहाँ हमारा गांव, वो उधर। हाँ वो जो उधर की साइड दिख रहा है। हाँ। मैं ज़ूम करता हूँ, ये। हाँ ये अपना बोर्ड। हाँ और इधर की जस्ट ऊपर जो है वो दूसरा बोर्ड है। ये तल्ला मल्ला कौन सा मल्ला? ये बिचला बोर्ड है। हाँ बिचला बोर्ड। हाँ ये है बिचला बोर्ड, और इसे बीच में जो दिख रहा है वो भी बॉर्डर का ही है। बॉर्डर का इलाका है ना पूरा, बॉर्डर का ही इलाका है। और नीचे की साइड जो दिख रहा है स्कूल है, वो स्कूल है। हाँ इधर की दिखा स्कूल, यहाँ से दौड़ के आते हैं। अरे तेरी भाई, यहाँ से तगड़ा व्यू दिख रहा है यार। दिख रहा कैसे दिख रहा है, घना जंगल बिल्कुल उठा हुआ है यहाँ से। जब भी अगर चीड़ का पेड़ देख रहा हूँ तो मेरे को भ्रम के आता था हमेशा, जब भी चीड़ का पेड़ देख रहा हूँ। क्या वो नीचे टूटे उठे से थोड़े से उन्हें उधर जहाँ से कच्ची सड़क नहीं है। हाँ रात हो जाती है उनको, रात कम से कम 6:30-7 बज जाते हैं घर। अबे तो अंधेरे में कैसे आता, मुझे समझ नहीं आता अंधेरे से। यही तो, अरे काफी बंदे मैं क्या देखता हूँ अंधेरे में मतलब लाइट भी नहीं जलाएंगे और आ जाएंगे कैसे यार?
उसी में मजा आता है ना, रास्ता पता नहीं करता तो स्पीड पड़ती रहती है उसमें। पर अंधेरे में यार मेरी तो हालत खराब हो जाती है भाई, अंधेरे में कोई रोड नहीं दिखेगी जिसमें भी चल रहे हैं। उस दिन एक जिसकी बात बता रहा हूँ ना, हिमांशु बिस नाम है उसका, तो बंदा वहाँ से अजोली से अश्रोण गया रात में 10:30 बजे, वो वापस आया 12:30 ऐसे कुछ आया, वो अंधेरे में गया, अंधेरे में आया और उसका चार्ज खत्म हो गया था फोन, आराम से पहुँच गया। मैं उससे ही पूछ रहा भाई तू कैसे आ जाता है, अरे डेली का है भाई, क्या दिक्कत है, डेली ऐसे आते रहते हैं। मैं यार सही है यह हमारी फट जाए आने में। देख रहा दौड़ता हूँ बंदा, मेहनत, उस मेहनत में ये भी है, ये भी करता भी है, मेरे वजह से नहीं कर पाया अभी अभी करेगा रनिंग यहाँ पर। पूरा रास्ता जा रहा अपने घर के लिए सीधा सीधा, जहाँ मैंने स्टार्टिंग दिखाया नहीं था जब हम पहुँचे थे कार से, तो वही रास्ता वहीं जा रहा है कि वहाँ से ऊपर जाके सीधा घर आ जाएगा। ये रास्ता तभी बन रखा है बढ़िया, सिर्फ आधा। तो यार वो अभी रनिंग करने के लिए जा चुका है क्योंकि वो कब से कह रहा था जाऊंगा रनिंग करने के लिए, तो मैं अब सीधा घर के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा अकेले अकेले जरा हवा खाते खाते। बताओ ये कपड़े पहन के भी हल्का फुल्का ठंडा है अभी भी, तो कोई नहीं यार, इस चीज़ के तो लुक लेने के लिए आया हूँ मैं, लुक क्या कहते हैं पता नहीं, मज़े लेने तभी आया हूँ मैं यहाँ। धीरे धीरे चलता हूँ आराम से, बाकी नहीं तो अभी घर में होता तो आराम से बस एक जगह बैठा ही रहता बस, नहीं तो फिर क्लास लेने के बाद बस थका बस ये कि भाई जिम जाना है ये वो। अरे यार नेचर के साथ भी रहो थोड़ा सा यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, कोई बोले ना बोले, क्योंकि काफ़ी बंदे नहीं आते हैं ऐसी जगह, क्योंकि वो बोलेंगे भाई हमको ये काम है वो काम है ये काम है। भाई मुझे भाई की शादी में भी जाना था, अपने गाँव में भी आना था देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था मेरे को यार, जैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ, क्योंकि जब तक अपने गांव में नहीं आओगे कैसे पहचानोगे हर किसी को। मेरे को यहाँ पर मैक्सिमम बंदे जानते हैं, ये तो ये होता ना कि जो बंदा अभी तक आया नहीं तो उसको कैसे पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा ना। मेरे को मैक्सिमम बंदे जानते हैं यहाँ पर, जैसे दो बंदे जो मेरे साथ था अभी यहाँ पर, नीरज नाम है उसका, वो चाचा लगता है मेरा रिश्तेदारी में है ना, तो मेरी जैसी एंट्री हुई ना घर में तो एकदम से उसने आवाज़ मारी, अरे गोलू वहाँ, अरे आ गए तू, हाँ यार आ गया, फिर मैं दिखा रहा यार ये तो इतना बड़ा होगा, बहुत छोटा सा था ये, तीन साढ़े तीन साल पहले की बात है जब मैं इसके भाई के साथ, इसका जो सबसे बड़ा भाई है ये तीसरे नंबर का है, जो उसका सबसे बड़ा भाई है वो मेरा दोस्त है संदीप, तो ये उसने बहुत छोटा था और अब ये मेरे से भी लंबा हो गया और जानता है अभी तक, और हर चीज़ बताया उसने मेरे को कि भाई उस टाइम क्या क्या था, क्या क्या करते थे। इसके साथ एक मेरे दोस्त का भाई एक और आया था छोटा वाला, उसके साथ भी बहुत पहले मतलब घुमा फिरा हूँ मैं, मतलब जाते रहते थे बाहर घूमने के लिए, तो उसने भी पहचान लिया मेरे को, वो भी बता रहा भाई कि पहले मैं गुले लेके घुमा करता था, कि जब भी इनके साथ आ रहा मैं वही चल गुले रहे मेरे पास, चल बन कुकुड़ मारने के लिए जाते हैं, बन कुकुड़ मतलब जो जंगली मुर्गी होती है ना उसे कहते हैं बन कुकुड़, तो वही इनके साथ जाता रहता था मैं, तो तभी ये मेरे को बारह आज पूरा इनके साथ कम से कम 2-3 घंटे 1 घंटे तक बैठा रहा और आराम से बताते रहे मेरे को कि भाई क्या मज़े करते थे पहले ये वो, और अच्छा लगा मेरे को यार। और अभी अपना घूमना फिरना भी हो गया और वो देखो चाँद इतना प्यारा लग रहा है, इस टाइम तक नाइट नहीं होती, इस टाइम तक अंधेरा नहीं होता दिल्ली में, क्योंकि अभी कितना टाइम हो रहा है 6:45 हो रहे हैं अभी, इतना अंधेरा वहाँ नहीं दिखता, यहाँ दिख रहा है क्योंकि 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। एक बारी ना यहाँ पर आवाज़ें सुनना, जो आवाज़ आ रही होगी ना सुनो एक बार ध्यान से, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, मतलब साइलेंटली एक जगह बैठ जाओ और सुनते रहो। क्योंकि नीचे गधेरा है इसलिए वहाँ की आवाज़ आ रही है, ऑल टाइम वहाँ पर पानी आता रहता है, आता रहता है। वहाँ की भी मैं बनाऊँगा वीडियो, वहाँ पर जाऊँगा जब, अभी तो ऊपर से ही जाना हुआ, नहीं तो मोस्टली चांसेस है कि कल शायद क्रिकेट खेलने के लिए जाएँ या फिर कहीं एक, हाँ तुम्हें एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि एक हशेडोंग नाम से एक प्लेस है हशेडोंग, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो वहाँ पर बहुत पहले जो महाराजा रहते थे तो उनकी वाइफ, पता नहीं वाइफ को किसी ने गेर दिया था या गिर गई थी वहाँ पर, तो उनकी छाप है वहाँ पर, तो वहाँ की भी अगर ब्लॉग बनाना हो तो मैं बनाऊँगा अगर गया तो, ठीक है।
तो बने रहना मेरे साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।